जितना ज्यादा होता है उतना तेरा दुख बढ़ने वाला है, कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, रेडीमेड अगर तेरे जनरेशन को देगा उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, आप उसको बिगाड़ रहे हो। जिस प्रकार आपने अपना पुरुषार्थ श्रम किया, मेहनत किया, आपने अपना एम्पायर खड़ा किया, लेट देम डू दैट सेम थिंग। यू कैन एट सपोर्ट देम इन एजुकेशन, सपोर्ट देम इन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, रेस्ट लीव इट टू देम एंड मेक देयर ओन थिंग्स। तू अपना मेल मेला तो बना जाए, जाओ बना जाओ, एक फैक्ट्री किया, दो किया, चार किया, 10 किया, 15 किया, 500 किया, यहाँ को एंडलेस है भैया। सारी जिंदगी इसकी चढ़ में चली गई, इसीलिए भगवान बोलते हैं हर डगर के ऊपर ये सब सोचते सोचते काम करना, क्योंकि ये मानव भव है मुक्ति के लिए है। पैसे के लिए तू पैदा नहीं हुआ है, ना ये स्कैम करने के लिए तू पैदा हुआ है। छंदमणि णि रोहेण उवेई मोखम आसे जहाँ, सिखिय वम्मधारी पुवई वासाइन चरे प मत्तो तमहा मुनि खिप मुवे मोखम। जिस प्रकार खुद की स्वच्छंदता, देखो इस धन संपत्ति क्या लाएगी, तो क्या बोले, स्वच्छंदता, ईगो, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीबडी, सबको मेरी बात माननी है, मैं इतने करोड़ का दान यहाँ देता हूँ, यहाँ देता हूँ आपको, आपकी संस्था को, मेरा, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। क्या होगा, क्या करेगा तू, सबको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। और यही काम करते रहेगा, इसकी जगह पे इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी तू अपने अपने अंतर्मार्ग में लगा, अपने उत्कर्ष पे लगा, अपनी कर्म निर्जरा पे लगा, अपनी अप्रमत्तता पे लगा, अपनी अलर्टनेस, इंटेंसिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर लगा। बस ये एनर्जी अपने ऊपर लगाएगा तो मुक्ति तेरे हाथ में, मुट्ठी में है। और तू नहीं लगाता है तो अनंत काल तक तू ये गेम हार जाने वाला है। मानव जीवन की जो ये अवधि मिली है, ये गोल्डन पीरियड मिला है तुझे, वो तू खो बैठेगा। सपुवे पूवमेवम् न लभे जा पच्छा एसो वमा सासन वायण विषयी सिडिल आउमी कालो विणिय सिरस भे। धर्म के पीछे जिसका फोकस आज भगवान की वाणी में नहीं है, आप मेरी वाणी में, आज आपके जीवन में फोकस नहीं है, तो कभी भी आने वाला नहीं है। अभी नहीं है तो आगे आपके वर्तमान जीवन में कभी नहीं है। तो ये जो मेरी बात सुन रहा है, तू मेरे मार्ग में है तो तुरंत, इमीजिएटली कम टू माई पाथ, देर इज़ नो टाइम फॉर यू, immediately divert yourself, take a decision here and now that I am going to live as per what Lord Mahavir has taught me. और मेरे मार्ग पे चलना है तो अपने सॉफ्टवेयर में डाल देना कि ये कष्ट का मार्ग है, यानी कि इस मार्ग पे आपको बहुत ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, ये सुविधाओं का मार्ग नहीं है, ये दुविधाओं का मार्ग है। लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाना, जो मैंने दूसरे अध्ययन में आपको बताया है, उस प्रकार अपने आप को तैयार कर लेना तो यू विल बी अ श्योर शॉट विनर। बाकी तू काम भोग के पीछे, लालच के पीछे, दुराचार के पीछे, माया कपट के पीछे लगा हुआ है, ऐसा जीवन जिएगा तो मैं तुझे बचा नहीं सकता, मेरा मार्ग भी तुझे नहीं बचा सकता। तू कितने भी मंत्र जाप क्यों कर ले, दिवाली आई तो मेरे नाम का, हाँ अभी हम मंत्र जाप करने वाले, 2 मंत्र जाप होंगे, महावीर स्वामी सर्वंग सर्वज्ञाय नमः जो हमको शुरू में करना था, और अभी समय आ गया है
महावीर स्वामी का अंतिम समय आ चुका है और भगवान देह छोड़ने वाले हैं, देह विमुक्त होने वाले, हमेशा के लिए सिद्ध बनने वाले। तो वो मंत्र जाप से हमें निर्णय करना है कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ बन गए हैं, आप केवल ज्ञानी बन गए, आप अरिहंत बन गए। हम ये मंत्र जाप से धारणा करते हैं कि हम भी केवल ज्ञानी बने, हम भी सिद्ध बने। बस इस भाव से, इस भावधारा से मंत्र जाप करना है। अंत में मैं बताता हूँ कि इस प्रकार तुच्छ प्रवृत्ति से मुक्त होकर, तुच्छ प्रकृति से मुक्त होकर, पराधीन अवस्था से, वासनाओं से मुक्त होकर ये रास्ते पर चलने का निर्णय ले ले मेरे भाई। अगर तेरा मंगल और कल्याण करना है तो मौत को सामने रखकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मौत मेरे पीछे पड़ी है, कभी भी आ सकती है, एनी टाइम इट कैन अटैक मी, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जागरूक हो जा, तेरे जीवन में कभी मौत आएगी तुझे मालूम नहीं है, और कभी तुझे घेर लेगी उसका पता नहीं है। उसके पहले आपको मौत घेर ले, उसके पहले आप अपने आप को इस झमेले से ऊपर उठा लो। ऐसे यहां अंतिम चेतावनी भगवान देते हैं। बाकी बहुत सारा भगवान ने यहां पर बताया हुआ है। जो मरण को सामने रख के जीता है, पांचवें अध्ययन में बताया भगवान ने कि जो मरण को सामने रखकर जीवन जीता है वो हमेशा जागृत रहता है। देयर इज ओनली वन थिंग बाय विच एवरी वन इज फियरिंग एंड दैट इज डेथ। डेथ इज द ओनली फियर विच इज अ कॉन्स्टेंट फियर विद इन यू। यूटिलाइज दैट फियर एंड कन्वर्ट दैट फियर इन टू कंस्ट्रक्टिव लिविंग। उस फियर को, उस डेथ के फियर को अपने जीवन को टर्न अराउंड करके जीवन जीना शुरू कर दो। सकाम मरण, अकाम मरण, अकाम मरण वो होता है भोग विलास में अपना सारा जीवन गवा देता है, वो सकाम मरण उसे कहते हैं कि डेथ को, मरण को देखते हुए, दूसरे को मरते देखते हुए अपना लेसन लेता है और खुद का मौत की तैयारी करता है कि अभी मौत आ जाए तो मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि अभी भगवान के मार्ग के बताए हुए मार्ग पर मैं आ चुका हूँ, वैसी मेरी लाइफस्टाइल बन चुकी है, सब सारे दूषणों से मैं मुक्त हो चुका हूँ, और उस दूषणों के ऊपर विजय पाने के लिए मैं मेरा जीवन मुक्त जीवन बनाने के लिए तैयार हूँ। और उसके अंदर भगवान बताते हैं के कुछ भी करो जीवन में ज्ञान पूर्वक करो। ये सारी बातें जो छठे अध्ययन में बताई है, शुल्लक निर्ग्रियंथ, के साथ में तेरे कोई ना आने वाला है, ना आया है, ना आएगा, उनके लिए इतने सारे दोष और पाप करने की कोई आवश्यकता जरूरी नहीं है। हाँ, तूने गृहस्थी बसाई है, लोगों को ट्रैप पे रा दे, बाकी सब अपने अपने नसीब से आए हैं, अपने अपने नसीब से खाएंगे, अपने अपने नसीब से जिएंगे, तेरे जाने से या तेरे आने से कोई किसी का फर्क पड़ता नहीं है, न पड़ने वाला है। तो तू अपनी सोच अपने ऊपर ध्यान दे और अपने जीवन को संवार ले और मुक्ति की ओर आगे बढ़ ले। तो चलो अभी हम ओम श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ये जाप करते करते, दोनों जाप करते करते पहले अरिहंत पद की जाप साधना होगी और उसके बाद महावीर स्वामी पारगताय नमः। पारगताय याने परमात्मा महावीर ये वाणी देते देते कह रहे हैं कि अभी बस कुछ क्षण बाकी है और इस क्षण के अंदर जितना मुझे बोलना था मैंने बता दिया। 48 घंटे के माध्यम से मैंने आपको सारा मार्ग बता दिया, जीवन
मानव जीवन की बहुमूल्यता बता दी, मानव जीवन में क्या करने लायक है वो बता दिया, इस युग में जिस युग में जो तू पैदा हुआ है वहाँ क्या दोष होते हैं वो बता दिया, कैसे दोषों से आपको अपने आप को दूर रखना है वो बता दिया, सारी चेतावनी वार्निंग कॉशन नोटिस सारा कुछ दे दिया है। मैंने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है कि उसको किस प्रकार आप जीवन जी सकते हैं। बस अभी मेरा नाम स्मरण करो, मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, मैं अब सिद्ध गति में जा रहा हूँ, हाँ, और आप मेरा नाम स्मरण करते करते आप भी अरिहंत और सिद्ध बनो। ओम श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री महावीर। आग बंद, पहली उंगली और अंगूठा मिलाओ, घुटने के ऊपर रखो, पीठ सीधी गर्दन सीधी, और भगवान के पास मांगना है कि मैं भगवान जल्दी जल्दी बन जाऊं, ये सारा झमेला मैंने सुन लिया है, मुझे इस कोई चक्रव्यूह में पड़ना नहीं है जो आपने बताया है, सारे दूषणों से मुक्त हुए पवित्र निर्मल शुद्ध जीवन जीना है, और मैं अरिहंत बनूं और सिद्ध बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो और मेरी ये देशना सफल बन जाए, ऐसी कृपा करो। ओम श्री
सर्वज्ञा